एक और बड़ी कंट्रोवर्सी ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। दो दिन बाद बाइडेन के परमाणु हिटमैन की लाश मिल चुकी है। अब सब सवाल दरअसल पूछ रहे हैं कि अमेरिका का कौन सा बड़ा सीक्रेट आखिरकार लीक हुआ है, क्योंकि दो दिन तक खुद जो बाइडेन नहीं जानते थे कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। ये जहाज अब अमेरिका में भूतिया फाइटर जेट कहा जा रहा है। भूतिया जेट इसलिए क्योंकि ये जब गायब होता है तो पूरा अमेरिका इसे खोज नहीं पाता। ये लड़ाकू विमान अब बाइडेन का सबसे बदनाम फाइटर जेट बन चुका है। बदनाम इसलिए क्योंकि इसने बाइडेन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करा दी है। जिस जहाज के साथ अमेरिका ने दुनिया जीतने का ख्वाब देखा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काले जादू का शिकार हो गया है। ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन अमेरिका की पूरी एयरफोर्स में दो दिनों तक ऐसी दहशत फैली रही कि बाइडेन का हर दुश्मन भी हैरान रह गया। अमेरिका का एक फाइटर जेट F-35 17 सितंबर को अचानक गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पायलट ने उड़ान के दौरान इजेक्ट करने का फैसला किया, यानी विमान में कोई खराबी आई थी और पायलट विमान से पैराशूट के जरिए उतर गया, लेकिन यह विमान ऑटो पायलट पर चलता रहा और कहां तक गया दो दिन तक पता नहीं चला। अब 19 सितंबर को इस विमान की लाश मिली है, यानी दो दिन बाद इसका मलबा मिला है। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहां इस विमान का मलबा मिला है। ये विमान अमेरिका के साउथ कैरोलिना में गिर गया और दो दिन तक उसकी लाश ऐसी ही पड़ी रही। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि इसकी लाश के टुकड़े कितने बड़े इलाके में फैले हैं। मैदान से लेकर जंगलों के अंदर तक F-35 के टुकड़े मिले हैं। यहाँ अमेरिका की एयरफोर्स की टीम ऐसे पहुंच रही है जैसे किसी हादसे की जगह पर एम्बुलेंस पहुंचती है। इस विमान के गायब होने के बाद अमेरिका में ऐसा हड़कंप मचा कि एयरफोर्स ने दो दिन तक सभी मिलिट्री विमानों के उड़ने पर रोक लगा दी। इस विमान के गायब होने से अमेरिका को लगा कि उसका सबसे बड़ा सीक्रेट लीक होने वाला है। कहीं ये पुतिन के हाथों न लग जाए, कहीं चीन इसका सीक्रेट न चुरा ले। इस विमान की कीमत 1,000 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिका का ये प्रोजेक्ट $1.5 ट्रिलियन का हो चुका है। $1.5 ट्रिलियन, ये रकम किसी भी बड़े देश की अर्थव्यवस्था के बराबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अमेरिका के लिए कितना कीमती फाइटर जेट है। बाइडेन का ये भूतिया फाइटर जेट अमेरिका के लिए बदनामी की बहुत बड़ी वजह बन चुका है। अमेरिका के लिए यह हादसा और फिर उसके बाद दो दिन तक विमान के बारे में पता ना चलना, ये वाकई बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के इतिहास में ये सबसे महंगा विमान है। ये लड़ाकू विमान अब तक के सारे विमानों से आधुनिक भी है। 2013 में अमेरिका की अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को जोखिम भरा फैसला बताया था। अब ये बाइडेन के लिए सोचने वाली बात है कि जिस विमान पर अमेरिका इतना पैसा लगा चुका है उस प्रोजेक्ट का बंटाधार क्यों हो रहा है और ऐसा विमान क्यों अमेरिका की टेक्नोलॉजी की साख पर बट्टा लगा रहा है। अब आपके सामने है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35। इस एक लड़ाकू विमान की कीमत 1,000 करोड़ रुपए के करीब है। जी हां, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है ये। अब इतनी कीमत क्यों है वो भी जरा आपको समझाते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इतना महंगा क्यों है। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि रेडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी बॉडी पर एक खास कोटिंग होती है जो कि रेडार तरंगों को सोख लेती है। देखिए, स्टेल्थ फाइटर जिससे रेडार ट्रैक नहीं कर पाता है और इसीलिए वो पकड़ में नहीं आता है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट का रेडार, एवियोनिक्स और सभी सेंसर दुनिया में सबसे आधुनिक बताए जाते हैं और इसीलिए इसे मल्टी रोल कॉम्बैक्ट फाइटर प्लेन कहा जाता है। इसमें पायलट का हेलमेट भी बहुत खास होता है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। ये हेलमेट का जो एरिया आप देख रहे हैं इसी की कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये बहुत ही एडवांस्ड आधुनिक हेलमेट है। इस जहाज में मिसाइल बॉडी के अंदर छुपाई जा सकती है
उसे इंटरनल बे कहते हैं, ताकि दुश्मन को रेडार सिग्नेचर ही ना मिल सके। लेकिन इसके अलावा इसके विंग्स में 10 रेडियो एंटीना लगे होते हैं। ये इसके विंग्स जो आप देख रहे हैं, देखिए 10 रेडियो एंटीना इनमें होते हैं, ताकि दुश्मन के रेडार की वार्निंग पहले ही मिल जाए और अंदर बैठा पायलट अलर्ट हो जाए। लेकिन इस विमान का कंप्यूटर सिस्टम ऐसा है जिस पर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक अटैक नहीं कर सकता, यानी कि इसे हैक नहीं किया जा सकता है। और मिसाइल का इंटरनल बे छुपाता है हथियार, बड़ी से बड़ी मिसाइलें इस जगह पर छुपाई जा सकती है। इसके अलावा इसकी अधिकतम रफ्तार 1900 किलोमीटर है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये 900 किलोमीटर पर आर है। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका का F-35 विमान रविवार को गायब हुआ और फिर मंगलवार को उसका मलबा मिला। इस विमान के गायब होने के बाद अमेरिका ऐसा अलर्ट हुआ जैसे युद्ध की नौबत आ गई है। यह अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री का अब तक का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसका अचानक गायब होना कई सवाल खड़े करता है। पहला सवाल है कि जब विमान में खराबी आने के बाद भी ऑटो पायलट मोड पर था, यानी खुद उड़ रहा था, तब पायलट ने एजेक्ट क्यों किया। दूसरा सवाल है कि विमान गायब होने के बाद अमेरिका की एयरफोर्स उसे ट्रैक क्यों नहीं कर पाई। तीसरा सवाल, क्या अमेरिका का F-35 विमान ऐसी खामियों का शिकार है जो युद्ध में इसे नाकाम कर सकती है। अमेरिका ने इस विमान को तलाश करने के लिए आम लोगों से मदद मांगी, जबकि F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर अमेरिका का बहुत मजाक बनाया गया है। अमेरिका में पूछा जा रहा है कि आखिर एक F-35 फाइटर जेट कैसे खो सकता है और दो दिन तक उसका पता अगर नहीं लग पाया तो हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, जबकि F-35 सबसे बेहतरीन जेट माना जाता है। इसके सेंसर इसे किसी भी दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले ज्यादा ताकतवर बना देते हैं, लेकिन अपने ही फाइटर जेट को अमेरिका ट्रैक नहीं कर पाया। विमान का ट्रांसपोंडर भी फेल हो गया। F-35 का यह हादसा अमेरिका के सबसे महंगे जेट पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जून 2014 में अमेरिका के अगले एयरबेस पर एक F-35 में आग लग गई थी। सितंबर 2018 में अमेरिका का एक F-35 क्रैश हुआ और पायलट को एजेक्ट करना पड़ा। अप्रैल 2019 में जापान का एक F-35 प्रशांत महासागर में गिर गया था, इससे पायलट की मौत हुई। मई 2020 में एग्लिन एयरबेस पर एक और F-35 लैंड करते वक्त क्रैश हुआ। ऐसे ही अब तक 12 हादसे F-35 के साथ हो चुके हैं। 12 विमानों का क्रैश होना ये अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री पर भी सवाल उठा देता है। टेक्सास में एक F-35 वर्टिकल लैंड करते वक्त हादसे का शिकार हुआ। विमान जमीन पर उतरा और फिर बेकाबू हो गया। यह हादसा 15 दिसंबर 2022 को हुआ था और इस हादसे के बाद अमेरिका के इस फाइटर जेट के सुरक्षित होने पर बहुत से सवाल उठ गए थे। विमान नीचे उतरा और जैसे ही बेकाबू हुआ पायलट ने इजेक्ट कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि अब विमान में आग लग सकती है और फिर बड़े धमाके में उसकी जान भी जा सकती है। F-35 का एक हादसा ब्रिटेन की नेवी के साथ हुआ था, जब नवंबर 2021 को HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर से ये जहाज टेक ऑफ करते वक्त समंदर में जा गिरा था। तब भी पायलट इजेक्ट करने में कामयाब रहा। इस जहाज के साथ ऑपरेट करना आसान नहीं है। अमेरिका की कई एयरक्राफ्ट कैरियर इस विमान से लैस हैं और ये बहुत तेजी से उसके नेवल फ्लाइट ऑपरेशन की रीढ़ यानी F-18 सुपर हॉर्नेट की जगह ले रहा है। साउथ कैरोलिना में जो जहाज गिरा है वो भी इसका मरीन वर्जन है, यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है। F-35B इस फाइटर जेट का मरीन वर्जन है, यानी कि ये नौसेना के लिए बनाया गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता है। इसके अलावा F-35B की खास बात यह है कि इसे उड़ान भरने के लिए सिर्फ 140 मीटर की हवाई पट्टी चाहिए होती है, यानी कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सीधा उड़ान भर सकता है उसी तरीके से ये भी उड़ान भर सकता है। इसके लिए लंबा रनवे की जरूरत नहीं होती है, जबकि एक आम विमान को उड़ने के लिए इससे 5 गुना ज्यादा लंबा रनवे चाहिए होता है, जबकि F-35 के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन ये खासियत इसके सिर्फ F-35B मरीन वर्जन में ही होती है। उतरते वक्त भी ये जहाज
कमाल दिखाता है। ये जहाज वर्टिकली लैंड करता है। हम पहले भी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर की तरह ये सीधे लैंड कर सकता है, इसे रनवे की जरूरत नहीं होती, रनवे पर दौड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे एक हेलीकॉप्टर उतरता है, यानी इसे उतरने के लिए हवाई पट्टी की भी जरूरत नहीं है और ये किसी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे उतर सकता है। यानी कम से कम जगह में इस विमान को इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेट करने के लिए ये बहुत ही खास विमान है। अमेरिका के अलावा इसे ब्रिटेन, देखिए इटली, जापान और बाकी देश भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी नौसेना को ऑपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल ये तमाम देश करते हैं।